दोस्तों कहते हैं कि जो वक्त के साथ नहीं चलता है वो रेस से बाहर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को समय की कीमत समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से गूगल क्रोम में ऑनलाइन स्टॉप वॉच को यूज़ करके आप समय को कैसे माप सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में यहाँ पे सेट स्टॉप वॉच फॉर 2 मिनट, अगर आपको 3 मिनट करना है तो यहाँ पे आप 3 मिनट लिखेंगे। जैसी आपको ज़रूरत होगी वैसे आप यहाँ पे समय सेट कर लेंगे। इसका सामान्य फॉर्मेट ये होता है। और जैसे हम इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मैंने 2 मिनट का जो है यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा रखा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उल्टी गिनती शुरू है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है गूगल क्रोम में ऑनलाइन स्टॉप वॉच को यूज कर सकते हैं।